ये अभी भी दा बाटी में घी लगा रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और जैसा कि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि आपकी पेमेंट नहीं आई, तो मुझे शाम को ही पता चला कि मेरी पेमेंट आ चुकी है। यूट्यूब से मेरी फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है क्या? वो पता नहीं क्यों नहीं आ रही थी। शायद पहले ना तो हमने कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ की है जिसकी वजह से जल्दी नहीं आई, मतलब कि आ जानी चाहिए थी लेकिन नहीं। लेकिन अब आ चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं। और आज की सुबह मेरे लिए बहुत ज़्यादा सही है क्या, क्योंकि पेमेंट भी आ चुकी है और बाकी सब 10K सेलिब्रेट भी कल ही किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्या। कल ही 10K सेलिब्रेट किया, मतलब कि कल ही पता चला था तो मैंने कल ही 10K सेलिब्रेट कर लिया और फिर ये नेक्स्ट वीडियो डायरेक्ट पेमेंट की डाल रहा हूँ। एंड गाइस, बहुत सारे लोग सॉन्ग का भी बोलते रहते हैं कि आप सॉन्ग नहीं गाते, तो मुझे ना तो यहाँ पर एक वैसी स्पेस नहीं मिलती, खिला रह ही नहीं सकता। मतलब कि यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती रहती है, इसलिए मैं सॉन्ग नहीं गाया करता था। अभी भी आप बैक में सुन पा रहे होंगे, यहाँ सब बच्चे चिल्ला रहे हैं। अरे हमारी जो आपने देखा ही होगा कल के ब्लॉग में, जिसको हीना, ये देखो ये हीना को बाबू ऐसा कर दे, ऐसा ऐसा कर, अरे अरे कर दिया, 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 अरे ये उंगली, हाँ ऐसे करना है ऐसे। अरे तो बस मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है और टाइटल थंबनेल में आपने देख लिया होगा। बहुत दिनों से ना तो आ नहीं रही थी और बाकी वो क्या कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई थी कि हमने जब बैंक अकाउंट खुलवाया था तो शायद लेट कर दिया था उसे, मतलब कि अकाउंट ऐड करना लेट कर दिया था, इसलिए शायद नहीं आ रही थी। लेकिन अब आ चुकी है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्या मुझे कि यार पेमेंट आ चुकी है, तो घर वाले भी खुश हो जाएंगे और मुझे कोई रोकेगा नहीं अब वीडियोज़ बनाने में। और अब देखते हैं कि फैमिली का क्या रिएक्शन होता है। वैसे तो सबने हाँ बोल दिया है वीडियोज़ बनाने का और आते भी है मेरे वीडियोज़ में। मम्मी यहाँ काम कर रहे हैं भाई, कहीं से अच्छे बेटा देख। तो गाइस, घर में एक प्रॉब्लम हो चुकी है जो कि मैं आपको दिखाई दूंगा क्या प्रॉब्लम है। वो ना तो टंकी हमारे यहाँ की जो गैस सिलेंडर होता है वो खाली हो चुका है और उससे अभी हम भरवाने जाने वाले हैं खरगोन। भाई और मैं ही जाने वाले हैं, अभी सुबह सुबह ऐसे ही जा रहे हैं क्या। तो गाइस जल्दी से जाते हैं और वहीं खरगोन में ही बात करते हैं। भाई ने ना तो सैलून की दुकान पे आके गाड़ी रुकवा दी, उधर गाड़ी लगी हुई है और टंकी भी मैंने पास में रख ली है और भाई भी अंदर बाल कटवा रहा है क्या। तो वैसे इसने बाल कटवा ही दिए, इस तरह से यहाँ खरगोन में टंकी एक्सचेंज हो रही है, इधर खाली होती और उधर से भरी हुई मिलती है। टंकी वगैरह तो भर के ला ही चुके पर आपको पता ही होगा कि ये ब्लॉग किस टॉपिक पर है, मतलब कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो अभी बैठे मेरे पास दीदी, और दीदी गुड मॉर्निंग। और मैं ये बता दूं कि ये मेरी जो फर्स्ट पेमेंट है, ये पेमेंट कोई फर्स्ट नहीं है। हाँ यूट्यूब की भले ही फर्स्ट पेमेंट है, लेकिन इससे पहले भी मैं काम कर चुका हूँ और इनको पैसे दे चुका हूँ क्या। पहले दीदी और मैं साथ में हम दोनों कंपनी में काम करते थे, कसरावत साइड एक कंपनी है जहाँ पर कि मैं काम करता था। मैं वैसे डीजल मैकेनिक्स मैंने आईटीआई किया था कि नहीं, तो वहाँ मशीनें वगैरह सुधारने का काम करता था, रनिंग भी करता था वहाँ कंपनी में। और तभी मेरी फर्स्ट पेमेंट आ गई थी जो कि मैंने इनको दी थी सबसे पहले पेमेंट।
कंपनी की। और उससे पहले जब खरगोन में मैं काम करता था तो मैं यहाँ शॉप पे दुकानों पे काम करता था, तब मैंने मेरी फर्स्ट पेमेंट दी थी मेरी मम्मी को। मतलब कि 3 बार मेरी फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है और अब फाइनली यूट्यूब से भी मेरी फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्या मुझे कि मैंने सब कुछ आजमा चुका हूँ। और कंपनी मैंने क्यों छोड़ी वो भी आपको बाद में बता ही दूंगा, लेकिन पहले अभी फर्स्ट पेमेंट आई है तो सबसे पूछ लेते हैं कि कैसा क्या लग रहा है। तो दीदी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। और किसी ने पूछा था कि ये दीदी यहाँ क्यों रहते हैं, तो वही दीदी यहाँ पर नहीं रहते, इनका गांव अलग है, ये घुघरिया खेड़ी में रहते हैं और ये मेरी वजह से यहाँ रहते हैं क्योंकि इनका कोई बेटा नहीं है, 2 लड़कियाँ हैं। इन्होंने मुझे गोद लिया था पहले जब मैं छोटा था तभी, और अभी भी मेरे साथ ही रहते हैं और मैं भी इनके साथ ही रहता हूँ बस। तो गाइस बाकी दीदी को तो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसको भी पूछ लेते हैं फर्स्ट पेमेंट मेरी आ गई तो कैसा लग रहा है? अरे एक नंबर गजब। क्योंकि इसको घूमने जाना है बस। कहीं ना कहीं हम निकलेंगे क्या बाहर घूमने जाएंगे, तो इसको भी लेके जाऊंगा मैं कहीं ना कहीं। टंकी भर गई है तो चाय भी पी लेते हैं पहले। अरे तो गाइस मैंने चाय ले ली है और इसको भी अब ख़त्म कर देता हूँ क्या पहले, फिर आराम से बातें करते हैं कि आगे क्या सीन होने वाला है। चोटी कर रही तो गाइस ये कर रही है चोटी कर रही। बताओ तुझे बताओ ये बताओ। हाय बोल दो। हाय 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 बाय बाय। ये कौन है? तू है कुकर काय काय गा कुकर आएगा। लाइक करना सब से। मन्नू तो यहाँ काम कर रही है, झाड़ू दे रही है अभी। और गाइस एक और आ गई है और इनसे भी पूछ लेते हैं, फर्स्ट पेमेंट आई है तो क्या चाहिए? मकर पानी बता था जीजे जल्दी मैंने आना रुकाई दान चप्पल ले दीजिए। तो गाइस सुन ही लिया कि इनको क्या चाहिए, इनको कपड़े लेने, तो इनको तो मैं ला ही दूंगा, मतलब कि ला कर ही देने हैं। और बाकी सबसे भी पूछ लेंगे कि किसको क्या चाहिए। दोपहर हो रही है और बाकी ना तो मैंने फर्स्ट पेमेंट का वीडियो ऐसा सोचा है कि कुछ अलग ही, क्योंकि छोटा हूँ तो बाइक तो मिलेगी नहीं चलाने के लिए, चलाने ही नहीं देते। क्योंकि क्यों नहीं चलाने देते, क्योंकि मेरा ये पैर टूटा हुआ है इसमें ना, तो रोड डली हुई है जो कि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता। और बाकी मिठाई वगैरह तो नहीं आएगी अभी, और अभी देखते हैं कि किस तरह से मेरी फर्स्ट पेमेंट का ये वीडियो बनता है। हो चुकी है तो मम्मी अगरबत्ती लगा रहे हैं, तो मम्मी तो हाँ अगरबत्ती लगा रहे हैं, लेकिन दीदी और छोटी बहन मनु अभी कुछ ना कुछ पका रहे हैं। और वो क्यों पका रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट पेमेंट आई है ना, तो उनको सेलिब्रेट करना था किसी भी तरह, जैसे कि 10K मैंने सेलिब्रेट किया था कि नहीं 10K चॉकलेट वगैरह ला के। तो उनने सोचा कि फर्स्ट पेमेंट का कुछ अलग करते हैं, तो घर में बनाए हैं दाल बाटी, जो कि मैं बैक कैमरे से आपको अच्छे से दिखाई दूंगा। तो गाइस इधर देख सकते हो दाल बाटी बन रही है, इधर मन्नू दाल बना रही है और दीदी बाटियाँ सेक रहे हैं, पर कंडे वगैरह पे नहीं बना रहे हैं अभी, उन पे बना रहे हैं। मुझे तो पता भी नहीं क्या होता है उन, ऐसे ही होता है जिस पे बाटी वगैरह सेकते हैं। ये तो गाइस अब टाइम कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और मेरा ब्लॉग ना तो कुछ कट पीट के आता है, क्योंकि मुझे ना तो एडिटिंग करनी पड़ती है और एक ही ब्लॉग मैं एक ही दिन शूट करता हूँ और उसे ही एडिट करके डालता हूँ, इसलिए ना तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा मतलब कि लगता है मुझे देखने में ही कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती होगी। और बाकी अभी क्या हो रहा है, तो दाल बाटी वगैरह सब बन चुके हैं दाल बाटी, और अब हम बस खाने ही वाले हैं। एक ने तो ले भी लिया है, निकाल भी लिया है, तो उसको ही दिखा देता हूँ मैं। इसने ही बनाया है और यही पहले खा रही है, देखो इसने ले लिया है। अरे खाना शुरू हो जाएगा। ये अभी भी बाटी में घी लगा रहे हैं, वो बनी हुई है अभी। अरे दाल तो बन चुकी है। हाय गाइस कैसे हो?
तो बस अभी हो चुकी है नाइट और दीदी वगैरह सब खाना बना रहे हैं, तो मैं ही वीडियो का एंड कर देता हूँ। वैसे ज़्यादा बड़ा तो नहीं है ब्लॉग, लेकिन जितना भी था आज का यही था। और फर्स्ट पेमेंट आई तो हमने कैसे क्या एंजॉय किया वो तो आप देख ही रहे हो। बस बाटी बनाई थी दीदी ने, क्योंकि फर्स्ट पेमेंट आई थी तो कुछ ना कुछ करना ही था। अब चॉकलेट वगैरह तो फिर से नहीं बांट सकते, लेकिन मिठाई वगैरह बांटेंगे। अभी पेमेंट आ चुकी है, लेकिन मैं घर पैसे निकाल के अभी लाया नहीं हूँ, क्योंकि मैं खरगोन तो गया था लेकिन पैसे नहीं निकाले यार। बस जैसे घर में ज़रूरत पड़ेगी ना पैसों की, वैसे ही मैं पैसे निकालता जाऊँगा। तो गाइस जितनी भी पेमेंट आई है मेरी अभी की फर्स्ट पेमेंट, वो मैं आपको डायरेक्ट शो तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये यूट्यूब गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है। लेकिन मैं अगले वीडियोस में ना तो बता ही दूंगा कि मेरी पेमेंट कितनी क्या आई थी। शॉपिंग वगैरह करूंगा कि नहीं, तो उससे आपको पता चली जाएगा कि कितनी क्या पेमेंट आई है। तो गाइस बाकी सब बातें तो हो ही रही है, और अब मुझे ना तो खाना भी खाना है। और अभी टाइम आपको शायद पता नहीं है कितना होगा, 6 के करीब हो गया है, और मुझे ना 6:56 के करीब हो गया है टाइम, 7 बजने वाली। और मुझे इसी ब्लॉग को अपलोड करना है, तो इसी की एडिटिंग भी करनी पड़ेगी। और ज़्यादा अगर मैं ब्लॉग को बड़ा करूँगा तो मुझे उतनी ज़्यादा एडिटिंग भी करनी पड़ती है, फिर एक्सपोर्ट करना और फिर उसको अपलोड करने में ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए ना तो मैं पहले ब्लॉग शूट करता रहता हूँ और थोड़ी एडिटिंग करता रहता हूँ, कि मुझे एक टाइम मिल जाए कि मैं अपलोड कर सकूँ सही टाइम पे, जो मेरा टाइम है उसी टाइम पे अपलोड कर सकूँ। तो गाइस अब मैं वीडियो का एंड कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय 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 गाइस।